डीएचक्यू टीचिंग अस्पताल में ड्राई एज एरिया का आगाज कर दिया गया है। इफ्तिताह प्रिंसिपल विजयवाला मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल हसन डोगर ने ड्राई एज एरिया का अफ्तिताह किया और अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का भी दौरा किया, जिसमें ना सिर्फ उन्होंने मरीजों का हाल भी पूछा बल्कि इसके साथ साथ डॉक्टरों को भी खूब सराहा। मकसद जो है ना वो ये है कि पेशेंट जो एमरजेंसी में आते हैं उनको देखा जाए कि उनको कितनी देर जो है ना वो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर उन्हें जो है ना वो सिर्फ 2 घंटे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो फिर उन्हें वहाँ से जो है ना फारग कर दिया जाए। अगर पेशेंट को जो है ना वो 8 घंटे की ज़रूरत है तो फिर उसको जो है ना वो 8 घंटे रख के जो है ना डिस्चार्ज कर दिया जाए, और अगर पेशेंट को लॉन्ग टर्म एडमिशन की ज़रूरत है तो उसको लॉन्ग टर्म जो है एडमिट किया जाए अकॉर्डिंग टू द सेवेरिटी ऑफ द डिज़ीज़, जो है कि कितनी कॉम्प्लेक्स डिज़ीज़ है उसके मुताबिक बर्डन जो है ना वो मरीज़ों पे भी कम पड़ेगा, पॉपुलेशन पे भी कम पड़ेगा कि लोग जो बेचारे इतने अटेंडेंट आते हैं और रश हो जाता है वो भी उससे जो है वो कम होगा, और हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर भी जो है वो बर्डन कम होगा, वो जो मोर कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकेंगे, और जो पेशेंट जो है ना वो लेस कॉम्प्लिकेटेड है उनको देख के डायग्नोज करके जो है ना जल्दी घर भेज सकते हैं।